और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो झारखंड में हजारीबाग में रैली को संबोधित कर रहे हैं। उसके लिए सही बाजार मिले, सही दाम मिले, मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया हो, कृषि के साथ सहायक उद्योग, पशुपालन हो, मत्स्य उद्योग हो, शहद का काम हो, इन सारे मामलों को लेकर के एक संतुलित, एक कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड जब तक हम काम नहीं करते, हम हमारे गांव के आर्थिक जीवन को बदल नहीं सकते, हम किसानों के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार परंपरागत जो कृषि है, जो हमारे किसान भाई हैं अपने पुरखों से सीख करके आगे बढ़ा रहे हैं, वे कृषि आधुनिक कैसे बने, वह कृषि वैज्ञानिक कैसे बने, और आज जो प्रति हेक्टर उत्पादन होता है वो उत्पादन कैसे बढ़े, ये चिंता का विषय है। और लेकिन उसका उपाय नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई रास्ते नहीं खोजे जा सकते, ऐसा नहीं। आवश्यकता है कि सरकार की नीतियों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, संसाधन मुहैया कराने के पद्धति से कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया जा सके। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जमीन कम होती चली जा रही है। आज से 50 साल पहले जिस परिवार के पास 100 बीघा जमीन होगी, परिवार का विस्तार होते होते बेटे बेटे के बेटे, चचेरे भाई उनके बेटे, जमीन के टुकड़े होते होते अब परिवार के पास 2 बीघा 5 बीघा जमीन रह गई है। जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ रही है, परिवार का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो उपलब्ध जमीन है उसमें अगर हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, हम ज्यादा फसल नहीं प्राप्त करेंगे, तो न तो देश का पेट भरेगा, न तो किसान का जेब भरेगा। और इसलिए कृषि का विकास ऐसा हो जो देशवासियों का पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे। और इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है हमारी परंपरागत कृषि में पुनः संशोधन करने, रिसर्च करने। और भारत इतना विशाल देश है कि एक कोने में एक लेबोरेटरी में काम होने से काम चलेगा नहीं। सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में वहां की वायु के अनुसार, जमीन के अनुसार, परंपराओं के अनुसार संशोधन करने पड़ेंगे, और तब जाकर के उन संशोधनों का उपयोग होगा। अगर केरल में जो प्रयोग सफल होता है वही प्रयोग हम झारखंड में फिट करने जाएंगे, तो कभी कभी न तो किसान उसको स्वीकार करेगा, और अगर कोई जगह पे विफल गया तो कभी किसान हाथ नहीं लगा। और इसलिए वो जो भूभाग में रहता है, जिस प्राकृतिक अवस्था में जीता है, जिस परंपरा से खेती करता है, उसी में अगर हम संशोधन करेंगे,
उसी में वैज्ञानिकता लाएंगे, आधुनिकता लाएंगे, तो किसान उसको सहज रूप से स्वीकार भी करेगा और किसान को वो उपकारक भी होगा। और इसलिए हमने दूर सुदूर इलाकों के विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा मिले, उनको रिसर्च करने का अवसर मिले और वो अपने अपने क्षेत्र में उस भूभाग के किसानों का भला करने की दिशा में नए संशोधन करें, जिसको आगे चल करके लागू किया जाए, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास जिसके तहत आज एक अनुसंधान संशोधन के क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट झारखंड को मिल रहा है। इसका लाभ ये पूरे इलाके को मिलने वाला है। हमारे देश ने प्रथम कृषि क्रांति देखी है, लेकिन उसको बहुत साल हो गए। अब समय की मांग है कि देश में दूसरी कृषि क्रांति बिना विलंब होनी चाहिए। ये दूसरी कृषि क्रांति होने की संभावना कहां है, मैं जानकारियों के आधार पर कह सकता हूं। अब हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति की संभावना कहीं है तो वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, ये भारत के जो पूर्वी इलाके हैं, वहीं पर से दूसरी कृषि क्रांति की संभावना है। और इसलिए सरकार ने पूरा अपना ध्यान इस क्षेत्र के विकास की ओर केंद्रित किया है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।